सो गाइस, अगर आप लोग एक लैपटॉप यूज़र है, अगर आप लोग एक डेस्कटॉप यूज़र है, तो गाइस कभी ना कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ, आपका जो लैपटॉप का जो स्क्रीन होता है ख़राब हो जाता है, टूट जाता है दूसरी कोई वजह से। गाइस इमरजेंसी में आप लोग को एक मतलब अच्छा खासा लो प्राइस में मॉनिटर चाहिए, तो गाइस उस टाइम आप लोग कॉन्फ्यूज़ हो जाते हो कौन सा मॉनिटर आपके लिए बेस्ट होगा जो कि लो प्राइस में एक LED मॉनिटर होगा। तो गाइस आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले पेंटर का तरफ से एक LED मॉनिटर, तो चलिए देख लेते हैं इस मॉनिटर का अंदर आप लोगों को क्या क्या फीचर मिल जाता है। जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो, मैंने मेरे को एक मॉनिटर चाहिए था, तो गाइस मैंने परचेस किया था जो कि पेंटर का तरफ से एक LED मॉनिटर। आप लोग देख सकते हो इसके अंदर लिखा हुआ है LED मॉनिटर। सो गाइस इस मॉनिटर का अंदर आप लोगों को और भी कुछ फीचर देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा फीचर अवेलेबल है। तो चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं इस मॉनिटर का अंदर क्या क्या फीचर है। सो गाइस सबसे पहले इस मॉनिटर का अंदर आप लोगों को मिल जाता है गाइस 38.1 सेमी का आप लोगों को इसका जो स्क्रीन होता है स्क्रीन मिल जाता है। उसके बाद गाइस इस मॉनिटर का अंदर आप लोगों को मिल जाता है 1024x768 आप लोगों को जो रेजोल्यूशन होता है अच्छा खासा रेजोल्यूशन मिल जाता है। उसके बाद गाइस आप लोगों को मिल जाता है प्लग एस प्ले। गाइस आप लोग इसका अंदर भी आप लोग इस मॉनिटर को यूज़ करके भी आप लोग कोई भी गेम वगैरह प्ले करते हो तो भी आप लोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि गाइस लो प्राइस में इतना ही मिलेगा गाइस। उसके बाद इसका अंदर आप लोगों को मिल जाता है HDMI पोर्ट। अगर गाइस आप लोग इस मॉनिटर को आप लोग डेस्कटॉप में यूज़ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर गाइस आपके पास कोई भी लैपटॉप है उसका अंदर HDMI पोर्ट का सपोर्ट है वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर गाइस आप लोगों को मिल जाता है गाइस AVG जो VGA जो पोर्ट होता है गाइस VGA पोर्ट भी मिल जाता है, उसके साथ साथ HDMI मिल जाता है। इसका जो बॉडी है गाइस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है सिमुलर बॉडी। और गाइस इसके अंदर आप लोगों को एक चीज़ मिल जाता है खास जो कि है पावर सेविंग मोड। अगर गाइस क्या होता है गाइस कभी कभी कोई दूसरी मॉनिटर ले लेते हो तो गाइस उसके अंदर जो पावर कंज्यूम जो मतलब कैपेसिटर ज़्यादा मतलब ले लेता है, तो इसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है पावर सेविंग मोड। तो गाइस इस मॉनिटर का जो बिल्ड क्वालिटी है और इसका अंदर क्या क्या टूल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। सो गाइस फाइनली चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं इस मॉनिटर का जो बिल्ड क्वालिटी है कैसे है। तो कुछ इस साइड में आप लोग कुछ लॉक वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, तो चलिए इस लॉक को ओपन कर लिया। उसके बाद जैसे ओपन कर लेते हैं गाइस सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है एक जो कि है यूज़र गाइडलाइन। जैसे गाइस आप लोग देख सकते हो इस जो कनेक्टर है कनेक्टर के बारे में कुछ ड्राइंग वगैरह दे दिया जो कि गाइस आप लोगों को जो VGA पोर्ट है कैसे कनेक्ट करना है उसके बारे में आप लोगों को देखने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद इस मॉनिटर का जो भी स्टैंड है कैसे इसको मतलब सेटअप करना है, उसके बाद गाइस आप लोगों को इधर देखने के लिए मिल जाता है इसके साथ क्या क्या आप लोगों को दिया जाता है, एक पावर केबल एक VGA केबल वो भी इधर देखने के लिए आता है और इसका जो स्टैंड है स्टैंड भी आ जाता है। उसके बाद इस मैनुअल में आप लोगों को देखने के लिए आ जाता है जो कि स्विच का जो कंट्रोल है कैसे आप लोगों को इसको कंट्रोल करना है अप डाउन पूरा पूरा डिटेल्स मिल जाता है। उसके बाद गाइस इस साइड में देखने के लिए आ जाता है आपका जो भी मतलब जो मॉनिटर है मॉनिटर का क्या क्या रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है पूरा का पूरा डिटेल्स आप लोगों को साइड में देखने के लिए आ जाते हैं। और गाइस पीछे का साइड में आप लोग देख सकते हो उस जो स्टैंड है स्टैंड को कैसे सेटअप करना है उसका बारे में कुछ ड्राइंग है, तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं अभी फ़िलहाल कोई काम का नहीं। उसके बाद गाइस आप लोगों को अंदर से मिल जाता है एक केबल जो कि ये VGA केबल है। इस केबल का मदद से गाइस आप लोग आपका जो डेस्कटॉप है डेस्कटॉप के साथ इस मॉनिटर को कनेक्टर मतलब कनेक्ट करना पड़ता है। तो गाइस इसका जो क्वालिटी है गाइस बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसका थिकनेस भी ज़्यादा है और केबल का जो क्वालिटी है क्वालिटी भी अच्छा है। तो चलिए इस केबल का साइड में रख देते हैं फिलहाल। उसके बाद गाइस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है इस जो मॉनिटर है मॉनिटर को पावर देने के लिए आप लोगों को 3 पोर्ट मतलब आप लोग एक केबल मिल जाते हैं। सो गाइस आप लोग एक बात कहना चाहते हो, आप लोग डेस्कटॉप वगैरह यूज़ करते हो तो गाइस आप लोगों को जो बॉडी आर्थ होता है इसका कनेक्शन ज़रूर कर लेना क्योंकि गाइस कभी कभी क्या होता है आपका जो डेस्कटॉप है उस बॉडी हो जाता है उस टाइम गाइस आप लोगों को करंट लग सकती है, तो इसलिए इस बॉडी को आप लोग कर लेना अलग से अर्थिंग कर लेना, तो गाइस आपका जो डिवाइस भी सेफ रहेगा आप भी सेफ रहोगे। तो चलिए इस जो केबल है केबल को साइड में रख देता है। उसके बाद गाइस मिल जाता है इस जो मॉनिटर है मॉनिटर का जो डिस्प्ले डिस्प्ले को प्रोटेक्शन करने के लिए जो फोम है फोम दे देता है। तो चलिए इस जो
मॉनिटर है, मॉनिटर को फिल बाहर निकल लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो गाइस फाइनली इस मॉनिटर का जो बॉक्स है मैंने ओपन कर लिया और मॉनिटर को भी बाहर निकल लिया। तो चलो ऊपर रख देता है, देख लेते हैं कैसे देखने के लिए आता है इस मॉनिटर। और गाइस जो स्टैंड का बारे में बात किया था वो है ये वाला स्टैंड, इसके साथ आप लोगों को एक लॉक मिल जाता है, तो इसको भी सेटअप करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। सबसे पहले इस जो फोम है फोम को साइड से निकाल लेते हैं, क्योंकि गाइस इसका अभी कोई काम का नहीं है। तो चलिए इस प्लास्टिक को हटा देता है, हटा देते हैं। इनके बाद आप लोग को देख लेते हैं इसका क्वालिटी क्या है। जैसे भी आप गाइस आप लोग देख सकते हो इसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी मतलब जितना पैसे ले रहे उस पैसे के हिसाब से इसका जो क्वालिटी है वो भी अच्छा है, मतलब उतना भी ख़राब नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्वालिटी भी अच्छा है, जो कि आप लोग देख सकते हो पेंटा का जो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे का साइड का बात करते हैं तो गाइस आप लोग देख सकते हो पीछे का साइड में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है एक VGA पोर्ट, जो कि आप लोगों को डेस्कटॉप को साथ कनेक्ट करने के लिए इस जो पोर्ट है पोर्ट देता है। और गाइस उसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है एक HDMI पोर्ट, जो कि गाइस आप लोग डेस्कटॉप में भी यूज़ कर सकते हो। उसको भी छोड़ के गाइस अगर आपका घर में कोई भी मतलब जैसे कि सेटअप बॉक्स हो गया, डिश टीवी हो गया, ऐसे कुछ जो डिवाइस होता है उसके अंदर भी आप लोगों को जो HDMI पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, तो गाइस उस HDMI के साथ आप लोग इस मॉनिटर को कनेक्ट करके आप लोग इसको जो आपका घर का जो LED होता है, LED जैसे मतलब यूज़ करते हैं वैसे आप लोग इसको मूवी वगैरह देख सकते हो। और गाइस इसका कोई रिमोट नहीं है, इसलिए गाइस इस आप लोगों को इस साइड में कुछ बटन दिया जाता है, जैसे कि पावर बटन, आप लोगों को अप डाउन मेनू और ऑटो का भी बटन दिया जाता है, जो कि गाइस इसका जो इस डिवाइस का जो भी कलर वगैरह होता है उसको मैनुअली कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को इतना सारा दिया जाता है। और गाइस इधर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है जो कि ये 3 पोर्ट का एक पावर केबल। और गाइस इधर आप लोगों को जो देखने के लिए मिल जाता है, इधर आप लोगों को आपका जो मॉनिटर हो जाता है, जो सर्किट बोर्ड होता है उसको जब भी हीट हो जाता है तो इधर ईयर वगैरह जाने के लिए आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो इधर आप लोगों को 2 स्क्रू का सिस्टम दिया जाता है, जो कि आप लोगों को घर का जो वॉल है वॉल में आप लोग सेटअप करना चाहते हो तो सेटअप वगैरह कर सकती हो। और बाकी सब आप लोग देख लिया गाइस, मैंने पूरा का पूरा डिटेल्स आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। और गाइस इस LED का जो साइज़ आप लोग देख सकते हो 38.1 सेमी। बाकी गाइस इस जो मॉनिटर है, मॉनिटर का एक फीचर और भी है जो कि आपका जो पावर है पावर सेव करता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो गाइस आप लोग इस मॉनिटर को लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो गाइस आप लोग ऑनलाइन में लेते हो तो गाइस आप लोगों को शायद 3,600 रुपये से 3,200 ऐसे कुछ, शायद 3,000 में भी मिल जाए, ऐसे कुछ आप लोगों को आसपास देखने के लिए मिल जाता है। अगर गाइस ऑफलाइन से लेते हो तो गाइस आप लोगों को थोड़ा कम भी मिल सकती है। तो गाइस और वारंटी के लोग बात करते हैं तो गाइस इस मॉनिटर के साथ आप लोगों को 1 साल का वारंटी भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो तो गाइस आप लोग इंस्टाग्राम में जाके मेरी को फॉलो कर सकते हो, उसके बाद कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग मेरे को इंस्टा आईडी में मैसेज वगैरह भेज के पूछ सकते हो। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए गाइस। मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ मेरा जो चैनल का जो बेल वाला नोटिफिकेशन है उसको ऑन करके रखना, क्योंकि ऐसे जैसे मैं टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपलोड करता रहूँगा आप लोगों को हर दिन इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और गाइस आप लोगों को भी आप डेस्कटॉप लैपटॉप ऐसे कुछ मतलब इस डिवाइस को लेके इंटरेस्ट हो तो और भी जानकारी चाहिए तो मेरे को पूछ सकती हो मेरी इंस्टा आईडी में जाके और कमेंट में भी बता सकती हो। सो एवरी ईयर टेक केयर।